दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सभी देख रहे हैं यूपी न्यूज तहतक। वैक्सीनेटर सहायकों के मांग पत्र का क्या आया जवाब? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी की गौरीगंज की जो रैली थी उसमें वैक्सीनेटर सहायकों ने ज्ञापन सौंपा था और उसका क्या जवाब आया, किस मंत्री को ज्ञापन दिया गया था, सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को टाइम ना गवाते हुए और आप लोगों को बताते हैं कि उसका अभी तक क्या जवाब आया और क्या फायदा मिला वैक्सीनेटर सहायकों का को। दोस्तों वैक्सीनेटर सहायक लगातार अपनी मांगों को लेकर के एक्टिव हैं। कई बार धरना प्रदर्शन इको गार्डन के लखनऊ में भी हो चुका, इको गार्डन लखनऊ में भी हो चुका है और दोस्तों अंततः जो है कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद कोई भी जो है वैक्सीनेटर सहायकों की सुनने वाला नहीं है, ना तो उस पर कोई जो है विचार करता है। वैक्सीनेटर सहायक पशुपालन विभाग के वो अनभिज्ञ अंग हैं जिनके बिना जो है वैक्सीनेशन का काम असंभव कहा जा सकता है। वैक्सीनेटर सहायकों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। कोरोना में भी जो है वैक्सीनेटर सहायकों ने सभी जो है पशुओं को वैक्सीनेशन का काम किया, वैक्सीन लगाया और अपने जान को जोखिम में डाल करके बहुत ही मन लगाकर वैक्सीनेटर सहायकों ने काम किया, लेकिन उसका फल उनको उस हिसाब से नहीं मिल पाया जिस हिसाब से उनको मिलना चाहिए था। तो दोस्तों उनकी जो मेहनत है वो लगभग उतना जो है प्रॉफिट नहीं दे पाई। तो दोस्तों वैक्सीनेटर सहायक लगातार यही पूछते हैं कि क्या जो है हम लोग सरकारी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन देखिए कब होता है इसका कोई जो है, अभी तक ना तो किसी मंत्री ने कहा है और ना किसी विधायक ने कहा है। देखना ये होगा कि अब आगे क्या होता है। खैर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, जैसे ही कोई जवाब आता है आप लोगों के सामने एक वीडियो बना करके उसको हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो की जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी खबरें होंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।